ओके नेक्स्ट आप उसके आगे कंटिन्यू करो, नोट डाउन करो कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 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 सुपर पोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, सुपर पोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, सुपर पोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, सुपर पोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स विथ सुटेबल कोफिशियंट्स, विथ सुटेबल कोफिशियंट्स, विथ सुटेबल कोफिशियंट्स, ओके। ये तो आपने सुपर पोजिशन ही तो कराया, दो लोगों को सुपर इम्पोज करा दिया, मिला दिया, तो एक थर्ड बना, थर्ड क्या बना, डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसमें डी की वैल्यू ये और फाई की वैल्यू टैन इनवर्स बी बाई ए। ओके अब तो मेरी बात समझ में आ रही ना। अब आपके सामने कुछ इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, अभी एक मिनट में समझ में आ जाएगा जो हमने इतनी मेहनत की है ये, अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14.2 को अगर आप देखें यहां पे, तो 14.2 14.2 की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 14.2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक बी नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। फर्स्ट साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, पहला है साइन ओमेगा टी फर्स्ट प्लस कॉस ओमेगा टी। तो इसको आपको ये बताना है कि ये पहली बात पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड कितना है, बहुत आसान है, तो कुछ नहीं, इसका मतलब कि कोई तो भी ये फंक्शन एफ टी के ऐसा इक्वल रहा होगा। अगर मैं इन दोनों फंक्शन में एक काम करूं, रूट टू से डिवाइड और रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने रूट टू को कॉमन कर लिया और 1/√2 इसके साथ रहने दिया और ये हो गया साइन ओमेगा टी, ये भी हो गया 1/√2 कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं। अब मैं इसे रूट टू और इसको क्या लिख सकता, देखो साइन ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी है, इंटू कॉस 45 लिख सकता, मतलब पाई बाई 4, है कि नहीं, और प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाई 4, ऐसा हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये रूट टू और ये फिर बन गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, और देखो ये फिर से क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जहां पर फाई रिप्रेजेंट करता है पाई बाई 4 को, फेज कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया रूट टू, मतलब 1.414 इतना हो गया, जो भी होगा जिसमें होगा मीटर सेंटीमीटर, जिसमें जो भी यूनिट आप लेंगे जो है ना। तो इसका मतलब दिस इट इज ऑल्सो अ, क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, विथ बताओ साक्षी, विथ पीरियड टी इक्वल्स टू कितना, 2π/ओमेगा, विथ पीरियड 2π/ओमेगा, उतना ही टाइम पीरियड है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, चेंज तब आता जब यहाँ पे कोई फैक्टर आ जाता, ये हुआ क्या, नहीं ना, ओमेगा टी रह गया, इसका मतलब इसके टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। ओके वेरी गुड,
तो इट इज ऑल्सो पीरियोडिक हैविंग टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है. साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी. अगर इसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा वक्त हमारा लग जाएगा, तो बिना वक्त लगाए हटाऊं इसको. अच्छा, वेरी गुड. थोड़ा और फास्ट नोट करो ऐसे ही, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए. अभी देखिए सेकंड वाला. सेकंड क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा एफ टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, अगर ये ऐसा है तो हमें आपको ये बताना है कि अब ये क्या होगा, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा. कुछ नहीं, डिस्कस करते हैं. कह रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. पहली बात तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है. क्या होगा ये पीरियोडिक? इट कैन बी नोटेड दैट ईच टर्म रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ डिफरेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी. देखो सबकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी अलग है. इस वाले की ओमेगा, इस वाले की 2 ओमेगा, इस वाले की 4 ओमेगा. ओके, बात इक्वल है, बराबर है. देखो आगे, देखो क्या कहता है. सिंस पीरियड इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच फंक्शन रिपीट इट्स वैल्यू. सिंस पीरियड, अभी भी देखो वहां पर मैंने आपको नोट कराया था, पीरियड इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच अ फंक्शन रिपीट इट्स वैल्यू. साइन ओमेगा टी हैज अ पीरियड टी नॉट. उसने कहा कि अगर ये वाला टी नॉट रखता है तो इसका क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा. और कॉस 2 ओमेगा टी हैज पीरियड, इसकी बात करूंगा तो मतलब कि जो टी डैश होगा दैट विल बी पाई बाई ओमेगा. समझ रहे हो ना क्यों? अच्छा, इसको कैसे मतलब ऐसा कैसे आप बोल दे रहे हो? इसका मतलब ये कितना हो गया, टी नॉट बाई 2. अच्छा, इसको किया कैसे? इसको तुमने ऐसे किया, आपने कहा इसका ऐसे मिटा दूंगा मैं, 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू, आपने इसको किसी फंक्शन के इक्वल मान लिया, तो इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश. इसका मतलब कि जब ये ओमेगा डैश होता तो इसका क्या होता, 2 पाई बाई टी होता ना. कैसे यार, देखो मतलब अगर ये ओमेगा होता तो ये टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता. अब मान लो कि 2 ओमेगा का कुछ टी डैश है, कितना है टी डैश लिया ना मैंने, टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई बाई, अब क्या लिखोगे आप, 2 ओमेगा जो है वहां पर, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, पाई बाई ओमेगा. अगर 2 पाई बाई ओमेगा टी नॉट के इक्वल है तो पाई बाई ओमेगा कितने के इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूँ 2 तो इधर भी आ जाएगा. इसका मतलब 2 2 कट गया, पाई बाई ओमेगा बचा, मतलब कितना, या 2 इधर नीचे भेज दो, पाई बाई ओमेगा बच गया, है ना. तो ये कितना हुआ, टी नॉट बाई 2. देखो जैसे मैंने लिखा अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब थर्ड वाला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना. अब देखो इस वाले के लिए कितना होगा, इसका इसके लिए मैं टी डबल डैश लेता हूँ, तो ये कितना होगा, पाई बाई 2 ओमेगा. बहुत अच्छे, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, टी नॉट बाई 4. आगे देखो यही लिखिए, उसमें दे रहा है जो है, कहता है कि cos 2 ओमेगा टी हैज अ पीरियड पाई बाई ओमेगा टी नॉट बाई 2 एंड 4 sin 4 ओमेगा टी हैज अ पीरियड 2 पाई बाई 4 ओमेगा इज इक्वल्स टू टी नॉट बाई 4. ओके, द पीरियड ऑफ द फर्स्ट टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ पीरियड्स ऑफ द लास्ट 2 टर्म, उसी के मल्टीपल में है. देयरफोर द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द सम ऑफ द 3 पीरियड्स रिपीट्स इज टी नॉट. आई बात समझ में?
क्या क्या मतलब दिग्विजय? ओके, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। उसने कहता therefore the smallest interval of time after which the sum of three terms repeats is t naught, and thus the sum is a periodic function with a period 2 pi by omega, with a period 2 pi by omega. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, ये आपको अभी मिलेगा, फिर बाद में ये लोग दिखाई नहीं देंगे, और देंगे भी तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे। हटा दूं इसको, ये तो तुम्हें आता है, ये तो डायरेक्ट उसमें लिख रखा है। आगे कहता है कि थर्ड, ध्यान से देखो, कह रहा है e के पावर माइनस ओमेगा टी। पहली बात तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये पीरियोडिक नहीं होता। ये एक्सपोनेंशियली क्या, या तो इंक्रीज अगर प्लस होता, या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं जो है, ठीक है ना? आप पढ़ोगे ऐसा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, ठीक है ना? तो वहाँ भी मैथमेटिक्स में है। हालांकि यहाँ पे हम बस बताएंगे कि द फंक्शन एक बार माइनस ओमेगा टी इज नॉट पीरियोडिक, इट डिक्रीजेस मोनोटोनिकली, देखो लिखा भी है, विथ इंक्रीजिंग टाइम एंड टेंस टू जीरो एज टी स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड दस नेवर रिपीट्स इट्स वैल्यू। एक ही बार ऐसे चली गई है ना, ये कोई रिपीट नहीं करता, बस एक बार इंक्रीज या तो डिक्रीज। हालांकि ये क्या ये रिप्रेजेंट करेगी, इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस मोनोटोनिकली। और नेक्स्ट क्या है, नंबर फोर, लॉग ओमेगा टी, इसको लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। और ये भी क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग, द फंक्शन लॉग ओमेगा टी इंक्रीजेस मोनोटोनिकली विथ टाइम टी, इट therefore never repeats its value and a non-periodic function. It may be noted that as t standing to infinity, log omega t diverges to infinity. It therefore cannot represent any kind of physical displacement. बहुत बढ़िया, ठीक है। Your new heading is simple harmonic motion. फटाफट हेडिंग डालो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। योर न्यू हेडिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेडिंग डालो सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो गया, हाँ। नोट डाउन करो फटाफट। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मेन पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। फटाफट लिखो, हेडिंग है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजिशन ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन लिमिट्स प्लस ए एंड माइनस ए, बिटवीन लिमिट्स प्लस ए एंड माइनस ए, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। दिस ऑसिलेटरी मोशन इज सेट टू बी सिंपल हार्मोनिक दिस ऑसिलेटरी मोशन इज सेट टू बी सिंपल हार्मोनिक इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन या फ्रॉम द ओरिजिन
या फ्रॉम द मेन पोजिशन वेरीज विथ टाइम एज, फ्रॉम मेन पोजिशन और ओरिजिन वेरीज विथ टाइम एज, वेरीज विथ टाइम एज। पहला तो आप जो डायग्राम था उसे बना लो कि ये इसका मेन पोजीशन है, जो ये इधर या इधर जाएगा, इधर है प्लस ए और इधर है माइनस ए, यहाँ है x इजिक्वल्स टू जीरो और ये है x इजिक्वल्स टू, और ये है x इजिक्वल्स टू माइनस ए यहाँ पर, ठीक है। और जो कि x एट एनी टाइम t इजिक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, a cos ओमेगा t प्लस फाइव, यहाँ से ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया। इक्वेशन नंबर वन मतलब जो मैंने कहा था ना डायग्राम एज शोन इन फॉलोइंग फिगर, वो ये था, ये पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए में जा सकता है, ये रही इसकी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो, या इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। अगर आप इसको x एक्सिस लेते हो तो ये उसकी ओरिजिन हो गई x इज इक्वल टू जीरो, हाँ इसीलिए कॉस लिया जो तो साइन आ जाता जो, तो इसलिए xt इज इक्वल टू ए कॉस, इसीलिए मैंने कल आपको दिखाया। अच्छा मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता तुम क्या समझते इसको, कुछ नहीं, लेकिन अभी तुम हर एक लाइन समझ रहे हो, एक एक बात समझ रहे हो क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है। ओके वेयर ए ओमेगा एंड फाई आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए ओमेगा एंड फाई आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए ओमेगा एंड फाई आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या है वो एक फेज है, मैं बताऊंगा कि ये क्या बताता है, ये इसे हम फेज कांस्टेंट कहते हैं, ये अभी जब सर्कुलर पढ़ोगे, कल थे ना तुम, हाँ सर पर आपने एंगल भी लिखा है, कहाँ पर, हाँ ये उसकी शेडो है तो कैसे इसमें एंगल आएगा, यही तो कल समझा रहा था, ये उसकी क्या थी शेडो, जो ये दिखा रहा था, आप तो सर्कुलर मोशन करा रहे थे और वो उसकी शेडो में ये दिख रहा था कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये वो चीज पढ़ रहे हो, आई बात समझ में अभी। बताओ अच्छा हुआ कल बताया था जो है, नहीं तो फिर तो तुम लोग आज पागल कर देते। अच्छा ओके हाँ बताओ दिग्विजय, हाँ हाँ पूछो, हाँ तो बाद में पूछना फिर तो, ठीक है। अच्छा तो मैं जरा सा आप लोगों को इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ, मान लो कि एक पार्टिकल है और ये उसकी पहली पोजीशन है कहाँ पे, ये x इक्वल टू जीरो है, तो मतलब पार्टिकल x इक्वल टू मतलब एट t इक्वल टू जीरो पर कहाँ है, x इक्वल टू प्लस a पर है, ऐसा मैंने इमेजिन किया है ना, तो t इक्वल्स टू t बाई फोर पे कहाँ होगा, सोचो t इक्वल्स टी बाई फोर पे, अगर ये यहाँ है तो t इक्वल्स टी बाई फोर पे क्या होगा, सेकेंड कहाँ होगा, मतलब एट t इक्वल्स टू t बाई फोर पर ये कहाँ चला आएगा, यहाँ पर, अरे यहाँ आ जाएगा ना, अगर t इक्वल्स टू जीरो पर यहाँ है तो t इक्वल्स टी बाई फोर पे कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। थर्ड डायग्राम क्या बताएगा कि अच्छा ये तो दोनों हो गए x इजिक्वल टू जीरो एंड x इजिक्वल टू प्लस ए, और ये क्या होगा x इजिक्वल टू माइनस ए, माइनस ए x इजिक्वल टू जीरो x इजिक्वल टू प्लस ए, अब ये कहाँ पहुंच जाएगा t इजिक्वल टू t बाई टू पर माइनस ए बाई टू पर, सिंपल बहुत ही सरल। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो
एट टी इक्वल्स टू, अगर ऐसा मोशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट वहां से हो रहा है, तो t इक्वल्स टू 3t बाई 4 पे कहाँ होगा, मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, और इसके बाद फाइनली कहाँ x इक्वल्स टू प्लस a और x इक्वल्स टू माइनस a, मतलब ये यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू, बोलो क्या है ये प्लस a, और ये t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा t, मतलब ये चला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ यहाँ, यही मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। आपको बनाना हो तो बना लो, आपको बनाना चाह, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अच्छा आप जरा इमेजिन करो आप लोग कि एक्सट्रीम में पेंडुलम को लाए और रिलीज कर दिया, तो जब वो मीन पे पहुंचेगा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमा। सिंपल, वहां पे पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमा। और फिर जब उस मीन के बाद इधर जाना चाहेगा तो फिर धीरे धीरे कम होगी और लास्ट में जीरो हो जाएगी। जब जब एक्सट्रीम पे पहुंचोगे, मतलब फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर जीरो या मिनिमा, आर मिनिमा या फिर ऐसा ब्रैकेट में जीरो, एंड इट इज मैक्सिमा एट मेन पोजीशन। ठीक है, कब मैक्सिमा होगा, मेन पोजीशन पे, और कब मिनिमा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, जब जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो रुक जाएगा, है ना, और जब जब मीन पे आएगा तो वो मैक्सिमा होगा। ओके नेक्स्ट, अभी हेडिंग डाल दो ग्राफ्स, हेडिंग बना दो ग्राफ्स, हेडिंग इज ग्राफ्स। वेल मेंटेन तरीके से बहुत टाइम लगता है एक एक चीजें। ग्राफ्स फर्स्ट, फर्स्ट ग्राफ, देखो मैं ये हटाता हूं, इधर तुम लोग नोट कर चुके होगे। ओके, अभी देखो, पहला है, फर्स्ट ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। पहला हेडिंग है ग्राफ्स। हम आप ढेर सारे ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ठीक है, क्या टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखें। फर्स्ट क्या था डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स टी इज इक्वल्स टू, बोलना जल्दी जल्दी, ए कॉस ओमेगा टी,
मतलब कि फॉर सिंपलिसिटी वी विल टेक phi इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये क्या हो जाए, x इज इक्वल्स टू a cos omega t. ओके, अब आप ये ग्राफ, ये कैसा हो जाए, हो गया, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हाँ, और ये क्या हो गया, टाइम सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में. अब ये cos omega t है तो कैसे बनेगा, हाँ, मतलब 90 डिग्री से चलेगा, और ये यहाँ से, फिर ये ऐसे, और ये ऐसा, और ऐसा ऐसा. तो इसका मतलब ये यहाँ क्या होगा, प्लस ए, और ये क्या होगा, माइनस ए, कॉस ओमेगा टी है. एम्पलीट्यूड तो कुछ भी ले सकते हैं ना, हो गया फर्स्ट ग्राफ क्लियर, हो गया सबको समझ में आया. Displacement as a continuous function of time for simple harmonic motion. ये ग्राफ था. Second ग्राफ है, second ग्राफ, उसमें note down करो. A plot of displacement as a function of time. कहाँ था, देखो जय, जब आपने दो ग्राफ, दो चीज़ों को कंबाइन किया था, ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी लिया था, तो दोनों ही पीरियोडिक थे. उसी प्रकार अगर आपको मैं दो फंक्शन दूँ डिस्प्लेसमेंट का, एक ए साइन ओमेगा, ए कॉस ओमेगा टी, और दूसरा दूँ बी कॉस ओमेगा टी, तो दोनों के फेज में कोई चेंज नहीं है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट. दोनों का टाइम पीरियड सेम है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट. आई बात समझ में. अब हम ऐसा ग्राफ बनाने जा रहे हैं. सेकेंड, अ प्लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज ऑब्टेंड फ्रॉम इक्वेशन वन. वन मतलब एक्स टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एज ऑब्टेंड फ्रॉम इक्वेशन वन. With phi equals to zero. The curves 1 and 2 are for two different amplitudes A and B. The curves 1 and 2 are for two different amplitudes A and B. ठीक है? तो देखो, ये हो गया displacement. ये और ये हो गया टाइम, और ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एक का मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से देखो. ये यहाँ क्या है, प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस ए, और जो सेकेंड वाला गया, मतलब ये है वन. ये कौन सी ग्राफ है, वन है, मतलब ये वन वाली है, ठीक है, ये वन है, और सेकेंड वाली कैसे जा रही है, बस उसका एम्पलीट्यूड अलग है इससे, वो भी ज्यादा, बट टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं है. देखो, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया बी, मतलब यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम आप आएंगे, तो ये माइनस है और ये वाली माइनस बी. देखो, दोनों के टाइम पीरियड सेम है, ठीक है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट. और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, यही एक्स टी, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स टी, x at any time t. ग्राफ थर्ड,
नहीं, इस पर केवल दो चीज़ें बनाई गई हैं जिसका एम्पलीट्यूड क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ नंबर थर्ड एंड लास्ट नहीं नहीं वो नहीं वो उसके बारे में बाद